वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में इडियम एंड फ्रेज का जो है दूसरा एपिसोड स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने जो है पिछले वीडियो में जो है पहले एपिसोड में दो क्वेश्चन पूछा था। पहला था एट वंस वीट्स इंड, इसका जो है राइट जो है आंसर क्या होगा। एट वंस वीट्स इंड का मतलब होता है चकित होना, यानी परप्लेक्स जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दूसरा एट वंस फिंगर टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, यानी कंप्लीट नॉलेज जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें स्टीयर अप ए हॉर्न्स नेस्ट का मतलब होता है टू क्रिएट ए लॉट ऑफ ट्रबल, यानी बहुत समस्या जो है खड़ी करना, स्टीयर अप ए हॉर्न्स नेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हर्ष बुक स्टीयर अप ए हॉर्न्स नेस्ट इन द मीडिया। हर्ष का जो बुक है वो मीडिया में क्या कर दिया है, तो बहुत सारी समस्या जो है खड़ी कर दिया है। नेक्स्ट है सेकेंड थाट। सेकेंड थाट का मतलब होता है रिकन्सिडरिंग द ओरिजिनल आइडिया, यानी पुनः विचार करना। आफ्टर सी एग्री टू लैंड हिम द मनी, सी हैड सेकेंड थाट, ही वॉज हैविंग सेकेंड थाट अबाउट गेट मैरिड। मतलब रुपया उधार देने के बाद जो है उसने एग्री किया, और दूसरा जो है उसने विचार किया कि जो है क्या करेगा, उसके साथ शादी करेगा। नेक्स्ट है एवरेज आउट। एवरेज आउट का मतलब होता है बैलेंस, यानी राशि जो है बराबर होना, यानी संख्या में बराबर होना। नेक्स्ट है गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स का मतलब होता है रूम्स या इन वेरी बैड सिचुएशन, यानी नहस तहस होना। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि द मैन वेंट टू द डॉग्स, द मैन वेंट टू द डॉग्स आफ्टर ही स्टार्टिंग ड्रिंकिंग। आदमी जब जो है ड्रिंकिंग जब स्टार्ट कर देता है तो उसका जो लाइफ क्या हो जाता है, नहस तहस हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लॉड। फ्लॉड की बात करें तो इसका मतलब होता है अभिभूत होना या चकित होना, यानी टू सरप्राइज और कन्फ्यूज। एग्जाम्पल की बात करें द कॉन्फिडेंस विथ विच ही स्पोक फ्लॉड हर, यानी जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने जो बोला उससे जो क्या हुआ, सरप्राइज हो गया, यानी अभिभूत हो गया। गिव अवे, गिव अवे का मतलब होता है, गिव अवे का मतलब कोलैप्स यानी पतन अवस्था या ढहना। नेक्स्ट है टॉल टेल्स, और टॉल टेल्स का जो है मतलब होता है डींगे हाँकना, यानी बोस्टिंग। एग्जाम्पल देखे तो ही टर्नेड ऑन मंडे विथ ए टॉल टेल अबाउट ए 100 pound फिश ही हैड caught। उसने जो है मंडे को जो है मतलब डींग हाँकते हुए मंडे को जो है उसने रिटर्न किया, और किसके बारे में, उसने कितने 100 pound फिश जो है पकड़ा था यह कहते हुए, डींगे हाँकते हुए उसने मंडे को वापस किया। नेक्स्ट है बैक सीट ड्राइवर, और बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अवांछित जो है सलाह देता है, यानी ए पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। इंस्टीड ऑफ बीइंग ए बैक सीट ड्राइवर राम वुड रेदर टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीड द प्रोजेक्ट। मतलब राम के पास जो है बैक सीट ड्राइवर होते हुए भी राम जो है अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जो है हैंडल करता है और अपने प्रोजेक्ट को नेतृत्व करता है। नेक्स्ट है एट रैंडम, और एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी लक्ष्य के या बिना क्रम के।
यानी विदाउट एनी एम और टारगेट। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है सडनली स्टॉप यानी अचानक रुकना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रिसेंटली ब्रोकन ऑफ प्रॉफिटेबल डील विथ चाइना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जो है हाल ही में जो है प्रॉफिटेबल डील जो है चाइना के साथ क्या कर दिया, अचानक जो है रोक दिया। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ए स्नेक इन द ग्रास और दूसरा है इन द ब्लू, और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें।